लो जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई के लिए आपको सबसे पहले ना एक रूल पता होना चाहिए आपके पास। जैसे ना दो तो रो दे रखी हैं, देखो हॉरिजॉन्टल लाइनें रो होती हैं और वर्टिकल लाइनें कॉलम होती हैं, तो दो तो आपके पास रो दे रखी हैं। पहले रो लिखते हैं कि दो रो हैं, दो रो हैं, फिर उसके बाद कॉलम लिखते हैं, फिर दो कॉलम है तो दो कॉलम, दो रो हैं और दो कॉलम। इसके बाद ना पहले वाले का तो कॉलम और दूसरे वाले की रो चेक कर लेते हैं क्या दोनों बराबर है। अगर तो वो दोनों बराबर है ना तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो देखो रूल कहता है, अभी ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है इसके लिए अभी मैं एक बेसिक से टेक्निक बताता हूं आपको। आप सबसे पहले क्या करो, आपके पास ना ये पहली लाइन उठा लो फर्स्ट वाले, जैसे मेरे पास ए है, ए की फर्स्ट लाइन उठा लो 1 2, तो 1 2 लाइन उठा ले, ठीक है। अब ये जो 1 2 लाइन है फर्स्ट वाली, इसको सेकंड वाला जो अपनी मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम उठाओ। अगर इसकी पहले रो उठा रहे हो तो उसका पहला कॉलम उठा लो और उसको बिल्कुल एज इट इज रख दो 5 7। उसी तरह फिर दोबारा से 1 2 लिख दो और नेक्स्ट 6 और 8 लगा दो। इसी तरह से फिर सेकंड वाली रो उठा लो 3 4, वहां से फिर 5 7 3 4, नेक्स्ट के लिए 6 और 8। बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न में उठा लो, पहले इसको उठाओ और इसको बिल्कुल सीधे में लिख दो, इसको फिर उठाओ फिर इसको बिल्कुल स्ट्रेट में लिख दो। अभी इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दो, इनको तो करो मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करके और इनका करो एडिशन, इनका मल्टीप्लाई करके इनका करो एडिशन। जो आपके पास आंसर आएंगे वो आपने प्लेस कर देने हैं, बिकॉज आपके पास जो ये मैट्रिक्स बनती है वो इसके बेस पे बनती है। ये कितने की है, 2 × 2 जो बचा, तो जो बचा वही हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होने के बाद हमारी मैट्रिक्स आएगी 2 × 2 की आएगी, मतलब A11, A12, A21 और A22। तो उसके हिसाब से आप जैसे पहले वाले का जैसे हम देखते हैं 19 आ गया, अगले वाले का हमने देखा 22 आ गया, तो ऐसे करके ये आप सॉल्व करके यहां पर वैल्यू डाल दोगे तो आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी।